हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बेस्ट एंजल ट्रेवल। सो गाइस, आज आप मेरी बैकग्राउंड में ऑफिस नहीं बल्कि होटल की लोकेशन देख रहे हैं। बैक डोर है और मैं इस टाइम मौजूद हूँ बाकू में, और मैंने अपना एक शॉर्ट ट्रिप मैनेज किया था कि मैं किस तरह, अगर मेरे पास 2 दिन या 3 दिन के वीकेंड में, आपको पता है जो गल्फ में है उनको वीकेंड में फ्राइडे सैटरडे ऑफ होती है, तो आप किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने वो ट्राई किया और मेरा सक्सेसफुल हो गया है। मैंने क्या प्लान किया था, मैं उसके मुताबिक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। वीजा तो मैंने, जो जीसीसी रेजिडेंट है उनको वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है, वो यहाँ आके वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तानी एलिजिबल है और उसकी तकरीबन 4,000-5,000 पाकिस्तानी रुपीज फीस बनती है, ठीक है। और मैंने किस तरह मैनेज किया वो बताने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूं और इजी तरीके से आपको गाइड कर सकूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक पेज लिया और मैंने जो लोकेशन थी करीब मेरे होटल के, वो लोकेशन पूरी कैप्चर कर ली, लिख ली अपने पास, और फिर उनका जो ड्यूरेशन थी मैप में मैंने चेक किया कौन कौन सी मेरे होटल के पास पास है, ठीक है। उसके मुताबिक मैंने अपना स्केड्यूल प्लान किया। मेरा 2 दिन का प्लान है और 1 दिन मैंने ऑलरेडी अबू धाबी गुजार लिया, 2 दिन यहाँ है और फिर मैं यहाँ से वापस अबू धाबी जाऊंगा और अबू धाबी से मैं मस्कत के लिए ट्रेवल करूंगा, ठीक है। ये मैंने प्लान क्या किया, मैंने 2 नाइट के लिए होटल बुक किया और होटल के पास पास जो प्लेस थे वो मैंने नोट किए और मैंने उनका टाइम नोट किया कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो 2 घंटे मुझे लगेंगे। और मैंने क्या किया, मैं 8:50 पर अराइवल हुआ अर्ली मॉर्निंग, तो मैं जो चेक इन है मैंने 10 बजे कर लिया। 10 बजे के बाद मैंने 2 घंटे रेस्ट की, उसके बाद मैंने अपना प्लान जो है वो तरतीब दिया कि मैं होटल से इस जगह पर जाऊंगा जिसका कल्चर सेंटर है, कल्चर सेंटर मुझसे तकरीबन 20 मिनट के फासले पर है, तो मैं वहां चला जाऊंगा, वहां 2 घंटे स्टे करूंगा। वहां स्टे करने के बाद वहां से जो करीब बिल्डिंग है या प्लेस है खूबसूरत, वहां जाऊंगा और वहां मैंने उसकी ड्यूरेशन चेक कर ली कि अगर वहां से कितने टाइम लगता है उसको, मैंने वो भी नोट कर ली। ये देखे मेरे पास उसका पूरा स्केड्यूल बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपने टोटल एक स्केड्यूल बना लेना है कि कौन कौन सी जगह पर आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। और अगर आप ये कर लेते हैं तो आपने पूरा बाकू घूम लिया विद इन 2 डेज, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।